हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद राघव सर। तो गाइज मैं वापस आ चुका हूँ क्लास टेंथ की सेकंड पोएम को लेकर जिसका नाम है फायर एंड आइस। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट तो इस पोएम के भी सेम पोएट हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो एक अमेरिकन पोएट हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा कि रियलिज्म के बारे में लिखते हैं वो। किसके बारे में लिखते हैं? रियलिज्म मतलब कि जो लाइफ के जो रियल इवेंट्स होते हैं उसके बारे में लिखना पसंद करते हैं। तो आज की हमारी जो पोएम है फायर एंड आइस, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ लाइफ से रिलेटेड मिलने वाला है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट इस पोएम की है वो ये है कि गाइज ये एक सिम्बॉलिक पोएम है। वॉट काइंड ऑफ सिम्बॉलिक पोएम है? सिम्बॉलिक का मतलब ये होता है कि सपोज करिए मैं बात कर रहा हूँ आइसक्रीम की और उसका मतलब निकल रहा हूँ एनिमल, या मैं एनिमल की बात कर रहा हूँ और हो सकता है उसका मतलब निकल रहा हूँ आइसक्रीम। तो देखिए इस पोएम में किस तरीके से क्या मतलब निकलता है, जानेंगे आज इसके बारे में। लाइन बाई लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसकी समरी देखेंगे। आपको इसकी मैं पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा, इसमें आने वाली राइमिंग स्कीम के बारे में बताऊंगा। एक कंप्लीट लेसन आपको मिलने वाला है। तो गाइज जुड़े रहिए वीडियो में लास्ट तक। शुरुआत करते हैं अपने पोएम की। सो लेट्स रीड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मतलब कि यहाँ पर पोएट दुनिया के अंत के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? दुनिया के अंत के बारे में बात कर रहा है। अगर दुनिया की शुरुआत हुई तो डेफिनेटली अंत भी होगा। आपको पता है कि दुनिया के हर धर्म में या हर सिविलाइजेशन में कहीं ना कहीं से ये कहा गया कि दुनिया का अंत होता है, या जिसको हम हिंदी भाषा में कहें तो उसको बोलते हैं प्रलय। क्या बोलते हैं? प्रलय। तो दुनिया में प्रलय कैसे आएगी? क्या बाढ़ आएगी या टेम्परेचर जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा? तो अगर इस पोएम के हम रेफरेंस में देखें तो यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात करी गई है। दुनिया का अंत होगा या तो फायर से या फिर आइस में। किस में होगा? फायर से या आइस से। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का जो अंत होगा वो फायर से होगा। किस से होगा? फायर। फायर का मतलब आग से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं आइस से होगा। आइस का मतलब है कि जो आइस एज आ जाएगा, मतलब कि सारी दुनिया में इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी कि कोई भी सरवाइव करने की कंडीशन में नहीं रहेगा और इस तरीके से दुनिया का खात्मा यानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बट गाइज यहाँ पर दो कंसेप्ट हैं, पहला फायर का है और आइस का है। तो पोएट क्या कहता है? फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब तीसरी लाइन पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा जो कि इस पोएम का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो है सिम्बॉलिज्म। वॉट इज़ दैट? सिम्बॉलिज्म। सिम्बॉलिज्म का मतलब है कि हम पढ़ कुछ और रहे हैं और उसका मतलब कुछ और निकल रहा है। तो गाइज मैं आपको सिंबोलिज्म के बारे में बता दूं कि इस पोएम में जो सिंबलाइजिंग वर्ड्स है वो दो आपको मिलेंगे। पहला है फायर, दूसरा है आइस। फायर जो सिंबलाइज कर रहा है वो दो चीज़ों को कर रहा है। द फर्स्ट वन इज डिज़ायर, आप जिसको कह सकते हैं पैशन, मतलब हमारी जो इच्छाएँ हैं या जो हमारा पैशन है, जोश है। और दूसरा है आइस। आइस सिंबलाइज कर रही है यहाँ पे हेटर्ड। वॉट इज दैट? हेटर्ड का मतलब नफरत होती है, या फिर आप कह सकते हैं कोल्ड बिहेवियर। कोल्ड बिहेवियर और कोल्ड एटीट्यूड, हमारा जो एक दूसरे के प्रति कोल्ड एटीट्यूड है उसको सिंबलाइज कर रही है आइस। तो मतलब कि दुनिया का अंत या तो फायर से होगा या आइस से होगा। मतलब कहने का ये है कि दुनिया में डिज़ायर, लोगों की इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि वो भी दुनिया के अंत का कारण बनेगी। थर्ड लाइन में पोइट कहता है फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मतलब जितना कि मैं डिज़ायर के बारे में जानता हूँ। डिज़ायर का मतलब किसके बारे में? फायर के बारे में। जितना मैं डिज़ायर के बारे में जानता हूँ आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ। आई एग्री, होल्ड विद का मतलब होता है अग्री, एग्री होना, सहमत होना। मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो फायर को फेवर करते हैं। किसको फेवर कर रहे हैं? फायर को फेवर कर रहे हैं। मतलब सीधा एक बार फिर से देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा। फायर का मतलब डिज़ायर से या पैशन से होगा। कुछ कहते हैं आइस में होगा, यानी कि हेटर्ड या कोल्ड बिहेवियर से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मतलब जितना मैं जानता हूँ डिज़ायर के बारे में, तो मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो फायर को फेवर करते हैं। ओके गाइज, तो ये है आपका फर्स्ट स्टेंजा। अब आगे बढ़ते हम सेकेंड स्टेंजा की तरफ। तो देखते हैं हम सेकेंड स्टेंजा को, जिसमें उसी को आगे बढ़ाते हुए पोएट कहता है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. पहले स्टेंजा में आपने देखा कि पोएट ने यह कहा था कि मैं उन लोगों के साथ हूं जो ये कहते हैं कि वर्ल्ड का एंड फायर से होगा। बट गाइज इन द सेकेंड स्टेंजा ही इज सेइंग डिफरेंट, ही इज टॉकिंग अबाउट आइस। बट इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन वो कह रहा अगर
इसको, इट का मतलब यहाँ पे दुनिया से है, वर्ल्ड को दो बार खत्म होना हो। कितने बार? पेरिश का मतलब खत्म होना होता है, मतलब कि एक बार फायर से हो गया। अब अगर कहते हैं दोबारा इसको खत्म होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ फेट। पहले स्टेंजा में उसने कहा था कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि फायर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट यहाँ पर वो कहता है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। हेट आपको याद होगा, इट इज द सिंबल ऑफ आइस। आइस यहाँ पर हेट को सिंबलाइज कर रही है, तो मतलब वो कह रहा है कि मैं हेट के बारे में भी पर्याप्त जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, और ये कहने के लिए कि डिस्ट्रक्शन के लिए, मतलब विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट। आइस भी विनाश को ला सकती है, एंड वुड सफाइस। वुड सफाइस का मतलब यहाँ पे आप सफाइस को कह सकते हैं, बी सफिशियंट। वॉट इज दैट? इट विल बी सफिशियंट, मतलब कि आइस भी सफिशियंट होगी। तो इस तरीके से आपने पूरी पोएम पढ़ ली। एक बार फिर से हम इसको समराइज करते हैं। समराइज करने में हम दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। अगर हम डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड देखें तो पोएट ने ये कहा है कि दुनिया का अंत होगा दो तरीके से, या तो फायर से। अब फायर से कैसे होगा? आप देख रहे हैं वर्तमान में कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से बढ़ रही है। सपोज करिए टेम्परेचर डे बाई डे, ईयर बाई ईयर इतना ज़्यादा बढ़ता जाता है कि सारा जीवन जो है वो वर्ल्ड से फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज आइस है। आइस का मतलब कोल्ड बिहेवियर, लेकिन यहाँ पर अगर हम लिटरली देखें आइस का मतलब, तो आइस का मतलब आइस एज से है, या कह सकते हैं आप कि दुनिया में ठंड, यानी टेम्परेचर इतना डाउन हो जाएगा, लोग उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और डेफिनेटली दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिंबोलिज्म के तरीके से देखें तो यहाँ पर फायर सिंबलाइज कर रही है डिज़ायर को और पैशन को, मतलब हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि अपनी इच्छाओं को पाने के लिए, अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए हम एक दूसरे को मारने में भी कोई हेजिटेशन नहीं करेंगे और डेफिनेटली दुनिया का अंत कर देंगे। दूसरी चीज़ आइस। आइस का मतलब हेटर्ड है, तो हेटर्ड में भी क्या होता है? व्हेन वी स्टार्ट हेटिंग ईच अदर, जब हम एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते तो फिर एक दूसरे को मारने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हेट से भी दुनिया का अंत हो सकता है। तो गाइज आपको सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखना कि ये पोएम दो तरीके से काम करेगी। अगर लिटरली देखें तो फायर और आइस भी दुनिया ख़त्म कर सकती है, और अगर सिम्बॉलिकली देखें तो आपका पैशन, आपका जो डिज़ायर है और आपकी जो हेटर्ड या मैलिस कह सकते हैं जिसको आप, वो भी दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। ओके गाइज, तो ये थी आपकी पोएम। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी राइमिंग स्कीम की तरफ। राइमिंग स्कीम पहले स्टेंजा की मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी इसकी देख लीजिए आप। पहले यहाँ पर है ट्वाइस। ट्वाइस को हमने ए कंसीडर किया, अब ट्वाइस से राइम कर रहा आइस, तो आइस को भी ए कंसीडर करेंगे हम, और इसी से राइम कर रहा सफाइस, तो सफाइस को भी हमने ए कंसीडर कर लिया। नाउ कम टू हेट। हेट को हमने कंसीडर किया बी, हेट से राइम कर रहा ग्रेट, तो यहाँ पर ये हो गया बी। ओके, तो ए बी ए बी ए, इसकी जो राइमिंग स्कीम हुई सेकंड स्टेंजा की वही ए बी ए बी ए। दिस इज द राइमिंग स्कीम फॉर द सेकंड स्टेंजा। ओके गाइज, अगर आपको पहला स्टेंजा याद होगा, देखिए उसके पहले लाइन में क्या आया था। सबसे पहली लाइन में अंत में था फायर, दूसरे में था आइस, तीसरे में था डिजायर, और चौथे में था फिर से फायर। इसको एक बार फिर से देख लेते किस तरीके से थी ये पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, लास्ट वर्ड था फायर, एंड सम से इन आइस, लास्ट वर्ड था आइस। थर्ड लाइन थी फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लास्ट वर्ड था डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो ये थे आपके लेटर्स। अब इनमें अगर हम राइम स्कीम देखें तो पहला ए कंसीडर करेंगे इसको, तो इसको भी ए कंसीडर करना पड़ेगा, और ये भी ए कंसीडर होगा, ओनली सेकंड वर्ड ये आएगा बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी ए ए। ओके, ये हो गई आपकी राइमिंग स्कीम। ओके, अब देखते हैं कि इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन सी यूज करी गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहली लाइन और दूसरी लाइन जो पोएम की थी सम से, और दूसरी लाइन में भी था सम से, तो जब कोई फ्रेज रिपीट होता है, यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस होती है वो होती है एनाफ्रम। व्हाट इज दैट? इट इज कॉल्ड एनाफ्रम। ओके गाइज, और इसी में अगर सम से वाले एक्सप्रेशन में हम देखें, सम में फर्स्ट लेटर एस है और से में भी फर्स्ट लेटर एस है, तो जहाँ पर दो क्लोजली रिटन वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स रिपीट हो रहे हों, तो वहाँ पर गाइज मैं आपको बता चुका हूँ ये होता है एलिटरेशन। व्हाट इज दैट? इट इज कॉल्ड एलिटरेशन। तो इसमें आप कह सकते हैं तीन लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया। पहली आपकी सिम्बोलिज्म, दूसरी है एनाफ्रा, और तीसरी है एलिटरेशन। व्हाट इज दैट? एलिटरेशन। और जो हमारी चौथी लिटरेरी डिवाइस में एक और आई है, और गाइज मत भूलिएगा आपका जो पोएम का टाइटल है वो भी एक अपने आप में लिटरेरी डिवाइस को कैरी कर रहा है। फायर और आइस दोनों को क्या बताया गया? विनाशक बताया गया, डिस्ट्रॉयर, जो डिस्ट्रॉय कर सकते। तो यहाँ पर दोनों को गाइज
परसोनिफाई किया गया। यहाँ पर आपकी जो चौथी लिटरेरी डिवाइस होगी वो होगी परसोनिफिकेशन। क्या होगी? परसोनिफिकेशन। ओके गाइस, तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल पोएम फायर एंड आइस, जिसके पोएट का नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट और उसमें सिंबोलिज्म का भर भर के प्रयोग किया गया है। गाइस, आने वाले लेसन्स में आपको इसका सेंट्रल आइडिया भी मिल जाएगा। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।